वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज का शो बहुत ख़ास है और बहुत मुख्तलिफ है मेरे बाकी तमाम शो से, क्योंकि आज जो है वो हमारे नौनिहाल, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और वो बहुत सारे बच्चे आज मेरे शो पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं हैं। जिस तरह हम कुदरती मालामाल है हमारा मुल्क, हर तरह का मौसम मौजूद है और हर तरह की जो है कुदरती चीज़ें नेमतें होती हैं वो हमारे मुल्क में मौजूद है, इस तरह भरपूर टैलेंट जो है वो हमारे मुल्क में आपको मिलता है। फिर हम मलाला यूसुफ़ज़ई की बात कर लें, हम आरफा करीम की बात कर लें, बल्कि ये जो दो नाम हैं जो हाईलाइट हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला किया, इसी तरह हर आरफा करीम आपको हर घर में मिलेगी, हर बच्चे में आपको, हर बच्ची में जो है वो टैलेंट मिलेगा जिसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि हम इस ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मैं अपने इस टैलेंट को प्रमोट कहाँ करूँ, प्लेटफॉर्म कौन सा है जिस पर मैं जा सकती हूँ या मैं जा सकता हूँ और अपने टैलेंट को जो है नुमाया तौर पर लोगों के सामने लाया जा सकता है। तो ये तमाम ऑप्शंस, ये तमाम सवालात लोगों के जहनों में उठते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में, किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में जो भी बच्चा टैलेंटेड है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है और वो क्या कहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उन्होंने सोचा कि एक मैगज़ीन जो है वो लॉन्च किया जाए। और अवेकनर के नाम से ये मैगज़ीन 2013 से हर महीने लॉन्च किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से लोग इनको कांटेक्ट करते हैं, बच्चे इनको कांटेक्ट करते हैं, टोटली बच्चे इसके इस के एडिटर हैं, वो लिखते हैं, आर्टिकल्स हैं, अपनी सोच का इजहार करते हैं और उसके बाद ये मैगज़ीन की शक्ल में जो है हर महीने मार्केट में पेश किया जाता है। बड़ी अच्छी काविश है, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो हमारी यूथ जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, उसको मैगज़ीन की शक्ल दी गई। सो सबसे पहले CEO जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया और उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया, सो लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद हैं अवेकनर के CEO हैं सैयद नदीम आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया है। हम तो ये सोच कर बैठ जाते हैं कि मैं अपने टैलेंट को कहाँ प्रमोट करूँ, तो ये कैसे, इंस्पिरेशन क्या थी? बेसिकली मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो हमदर्द यूनिवर्सिटी से रहा है, तो हम हकीम मोहम्मद सईद साहब से मैं इंस्पायर था और एजुकेशन को ही मैं अपने जो जॉब और अपनी बिजनेस के बाद जो है मैंने एजुकेशन सेक्टर को चूज़ किया कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए, बच्चों के लिए काम करूँ। right. तो इस हवाले से मैंने सोचा कि बच्चे हमारे पाकिस्तान में सोचते हैं कि हम अपने टैलेंट को कहाँ लेके जाएँ, yes. उनको कोई प्लेस नहीं मिल रहा होता है, तो उसके लिए फिर हमने दो सेगमेंट बनाया। एक सेगमेंट हमारा प्रिंट मीडिया का है, जिसमें तमाम बच्चे जो है, जो उनकी राइटिंग स्किल्स होती है वो इसमें आते हैं, हमें थ्रू वेबसाइट के थ्रू पूरे पाकिस्तान से वो अपना आर्टिकल और राइटअप भेजते हैं, हम उसको मैगजीन में पब्लिश करते हैं। ओके, ऑलराइट जनाब। सो सैयद नदीम आलम साहब से तो आप लोगों की हुई मुलाकात, ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे थ्रू आउट द शो, इनसे बात भी होती रहेगी, लेकिन जो टैलेंट है जिसकी वजह से ये खूबसूरत सा मैगजीन तश्कील होता है, तो वो टैलेंट भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे हम आपसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं जो मासूम सी, जब लेकिन आवाज़ निकली तो मैं डर गई, घबरा गई, मैंने कहा इतनी आवाज़ कहाँ से है इतनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची में से। सो एमन करामत अली हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप क्या करती हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम एमन करामत है, मैं KMA गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ और आज मैं नात पेश करने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपको वेलकम करते हैं सलाम पाकिस्तान में। उसके साथ साथ महसम रजा वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, अपना इंट्रोडक्शन पेश कीजिए। महसम रजा, इंटरप्रेटर, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज एंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज, दोनों साइन लैंग्वेज आती हैं, प्लस नीड टू बी अ ह्यूमन राइट्स रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जो बहुत डिसेबल लोग होते हैं जो अपने आप को माइनॉरिटी फील करते हैं, उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, जैसे इफ यू आर हियरिंग एंड वो बेचारे सामने बैठे हुए एंड उनको समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट यू आर टॉकिंग एंड उनको फील होता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज हो, उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर, मतलब मैं जो बोलूंगी आप मेरी नकल करेंगे अपना, ठीक है चलो। थ्रू आउट द शो अभी जो है महसूम जो है वो मेरी नकल उतारेगा, से बुरी बात है ऐसा करना? नहीं बुरी बात नहीं है, जो बेचारे सामने बैठे हैं डिसेबल उनको जो, हाँ जी। तो ये इंटरप्रेटर है, बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि इनको नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है आगे, लेकिन ये फॉरन से उस चीज को पिक करेंगे और हाथों के इशारे से जो है ना, इसके लिए इंटेलेक्चुअल होना हर बंदे का काम नहीं है, बहुत आसान चीज शायद आपको सुनने में लग रही
होगी बट इट्स टू डिफिकल्ट कि आपको सामने वाले के साथ आप बैठे हुए हो और वो बोले जा रहे हैं और आप हैंड मूवमेंट से उसकी सोच का इजहार करें, तो ये सीखा है बाकायदा? ये एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले महक आबद, आप महक हैं जी, इंट्रोडक्शन कराइए अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महक आबद और मैं केएमए गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक रखती हूँ और मैं आज नेशनल सॉन्ग गाने वाली हूँ। राइट जनाब, आपको भी वेलकम करते हैं। और उसके बाद है अनमोल मेमन, जो बड़ी अनमोल हैं और इन्होंने माशाल्लाह से जितनी भी चीज़ें इनके क्रेडिट पर हैं, जब ये आपको पता चलेंगी तो आपको लगेगा कि इनके माँ बाप ने सही इनका नाम रखा है अनमोल। जी अनमोल, अपना इंट्रोडक्शन कराइए। फ्रॉम दिस इज अनमोल मेमन फ्रॉम केएमए गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल and I go to St. Pat's right now and I'll be telling you guys about my success story and all today. So we'll be talking to you guys. Okay, inshallah, mashallah, देखिए इतनी यंग एज में उसकी एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। सो जितने बच्चे मौजूद हैं, इनके जो टैलेंट हैं उनको आपके सामने भी पेश करेंगे। लेकिन एक और म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो जिन लोगों के से सामना हुआ था मेरा, जिन लोगों ने मुझे चीज़ों को सिखाने में मेरी मदद की थी, उनमें से ये एक शख्सियत हैं। जब भी मिलते हैं मैं बहुत इनका एहतराम करती हूँ, मेरे दिल में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और इन्होंने बहुत सारे लोगों को पॉलिश किया है। मार्केट में जितने लोग म्यूज़िक में काम करें, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको जानते हैं, इनको मानते हैं, ये इनको इज्जत देते हैं और ये भी अपने छोटों को इज्जत देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इनके बच्चे भी बड़े टैलेंटेड हैं। सो वेलकम करते हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं इमरान साजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आज यहाँ पे क्योंकि मैं भी एक वैगनर का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि तदरीस के शोबे से बड़ा वास्ता रहा है मेरा। तो फिर हमारे मुल्क में जैसा कि आपको पता है कि जो टैलेंट है वो एक खास उसका स्टाइल है कि वो बहुत जल्दी पिक करके उसको थोड़ी सी भी अगर मिट्टी नम मिल जाए, थोड़ा सा ही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो बहुत जल्दी ग्रो करता है और फिर अपने आप को मनवाता है, अपने मुल्क का नाम जो है वो साबित करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये मेरा टैलेंट है जो मैं लेकर आया हूँ। तो बच्चे जब मैं देखता हूँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पार्ट का, उस गेम का हिस्सा मैं भी बन जाऊँ ताकि थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल हो। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि निगराश्त करते हैं ये उन फूलों की जो खिलना चाहते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो आज उसी बागीचे के कुछ फूल यहाँ मौजूद हैं जिनकी खुशबू मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहले जो है हमारी एमन से मैं चाहूँगी कि वो नात पेश करें और एक ताकि बाकी जो जितने बच्चे हैं उनसे भी उनके टैलेंट के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जा सके। जी एमन, एक शेर आप पेश कीजिएगा। بدا من طالعاته والليل تجاب وافعاته أنور ساهر چهره سے تیرے اور شب बहुत खूब
खूबसूरत नात जो एमन ने पेश की. एमन, आपको शौक है, आप स्कूल में भी माशाल्लाह से डेफिनेटली पार्टिसिपेट करती होगी. जी, मुझे बचपन से शौक था. फिर बचपन मतलब अभी बचपन गुजर गया? नहीं, मतलब कि छोटी एज. अच्छा, छोटी एज से. अच्छा, तो स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती हो. अभी आगे क्या सोचा है कि कहाँ लेकर जाना है अपने इस शौक को, अपने इस टैलेंट को? मैं चाहती हूँ कि आगे मैं नात खान बनूँ स्कूल के सपोर्ट के जरिए. स्कूल की सपोर्ट के जरिए तो सपोर्ट मिलती है स्कूल से? बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. अच्छी बात है. और जब स्कूल भी और इस तरह के लोग, जिस तरह जो काम करें नदीम साहब, जब ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं तो यकीनन टैलेंट आगे बढ़ता है और प्रमोट होता है और हर लेवल पर जो है वो अपना नाम रोशन करता है. और जो हमारे मैसम साहब हैं, वो उनकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगी, वो बैठे हुए आराम से ना, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना. हालांकि मैं बोले जा रही हूँ, मुझे करना था कि आप स्टार्ट करें फिर ना ये नाथ. मतलब कैसे स्टार्ट करूँ? मैं वेट कर रहा था कि ये नाथ खत्म हो जाए. अच्छा, नाथ को तो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, नाथ की जगह लगी. ठीक है, तो अब आपकी आपका वेट कर रहा था, स्टार्ट हो फिर अभी मेरा स्टार्ट होना बाकी है. चलिए जी, अब हम देखेंगे मैसम के इंटरप्रिटेशन. राइट, और उसके साथ साथ अब हमारे साथ महक आबिद हैं. महक की तरफ हम चलेंगे. और महक जो है वो भी बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, और फेस से, आंखों से लगता है कि कुछ है, जो कुछ करना चाहते हैं ना, आंखें बोलती हैं. आप क्या नंदीन साहब मानते हैं बच्चों की आंखें जो हैं वो बता देती हैं कितना इंटेलेक्चुअल है बच्चा? उसके आई से आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना स्किल्स है और कितना उसके अंदर जो है परफॉर्म. शरारती भी पता चल जाती है. शरारती आंखों से बड़ा शरारती लग रहा है. ये स्टडी है जो आप, मुझे लगता है अच्छा जानती हैं. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी. महक से हम अब नेशनल सॉन्ग सुनेंगे. जी महक. जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन. लब पे दुआ है दिल में लगन हो. जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन. लब पे दुआ है दिल में लगन हो. तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है मेरे वतन. तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है. इन गुल रंग फिजाओं में तुझसे ही अफसाने दोहराएंगे. हर पल तेरी अजमत के अफसाने दोहराएंगे. जब तक भी हम जिंदा हैं गीत तेरे ही गाएंगे. तेरी अमानत है, तेरी अमानत है मेरा फन. जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन. लब पे दुआ है दिल में लगन हो. जुग जुग जिए, जुग जुग जिए. क्या वेरी नाइस, जबरदस्त. अच्छा, तो ये सिंगिंग है या ये जो आपने अभी नेशनल सॉन्ग परफॉर्म किया, ये कब से शौक है? बचपन से गाती आ रही हो या जरा
मम्मा की तरफ से थोड़ा सा हुआ भी कि नहीं नहीं ये क्यों कर रही है सिंगिंग? नहीं, कभी मम्मा पापा की तरफ से नहीं हुआ, उन्होंने इजाजत दी है और बचपन से नाच भी पढ़ती आ रही हूँ और सॉन्ग भी गाती आ रही हूँ दोनों। अच्छा मेरी एक बात सुनो, यहाँ सवाल है, तुम लोगों के बचपन गुजर गए हैं तो मुझे तो अपने ऊपर जो है इस वक्त एक सवाल ही नहीं जाना। अब आप लोगों का बचपन है, अभी आप लोग असल में माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं कि इस एज में इतने मैच्योर हो गए हैं और अपनी स्किल्स को समझने लग गए हैं, तो शायद वो जो है ना, लेकिन एंजॉय क्या, हॉबीज क्या हैं, क्या करते हो स्टडीज और अपने शौक के अलावा? मुझे बचपन से ही शौक था कि सिंगिंग भी करूं। अच्छा, और साथ साथ मैं ना टीचर भी बनने का है। अच्छा टीचर क्या क्यों बनना चाहती है, बच्चों को पिटाई करने के लिए या कोई और मकसद भी? नहीं, उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके अंदर क्या क्या खूबी है, उसे भी जाहिर करना चाहती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मतलब आप स्किल्स को जो है वो उनके पॉलिश करना चाहती हो अपने स्टूडेंट को, तो उसी पर काम करना है और आगे जाके टीचर बनना है। चलें जी, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आएंगे हम हमारी एक और टैलेंटेड सी बच्ची अनमोल मेमन। राइट अनमोल, हाँ जी बताइए क्या कुछ किया है आपने, ये माशाल्लाह से ये तमाम डिग्रीज जो हैं वो इस वक्त आपकी मौजूद हैं, ये असली डिग्रीज हैं जितने भी मौजूद हैं। अच्छा जी, हाँ जी कहिए। Okay, it's actually not degrees, but the certificates. Okay. So, I've been to YES Program's Youth Exchange and Study Program. So, I went to America ek saal ke liye pure 10 mahine we were spent there. To 10 mahino ke liye we used to live with the family, like our host, like you know, hamare jo natural parents hain, hum unhi ke saath rehte hain. And they treat you, you know, like your kids. But the basic thing to send you down there is ke aapko jo hai na Pakistani culture, उसको एक्सचेंज करना होता है। यू हैव टू टेल पीपल यू नो हाउ पाकिस्तान एग्जैक्टली इज एंड हाउ आवर कल्चर इज, यू नो देयर आर टन्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स डाउन देयर दैट पीपल यू नो। अच्छा लेकिन ये तो वो बात होगी ना कि एक इमेज जो बिल्डअप हुआ हुआ है पाकिस्तान का, आप उसको चेंज करने जाते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, उसकी पॉजिटिव चीजों को। तो जब आप लोगों को ट्रेन किया जाता है तो कौन कौन सी खास बातें हैं जो आप लोगों को जाकर बताते हो कि देखो मेरे मुल्क में ये भी है, मेरे मुल्क में ये भी है, इस तरह से भी मेरा मुल्क है, तो वो कुछ हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, ये है वो है, लेकिन अच्छी भी तो चीजें हैं ना, तो वो हमें बताओ। या लाइक बिफोर गोइंग वी यू नो वी यूज्ड टू हैव अ होल वीक ऑफ ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट, तो उसमें हमें यही बताया जाता है यू नो हाउ टू यू नो लिव देयर, आप लोगों के साथ एक्चुअली कैसे वहां पर रहोगे एंड ऑल दैट, यू नो यू गेट द होल इमेज ऑफ व्हाट यू गोना डू डाउन देयर। और फिर इसके बाद हमारे यू नो वी हैव बीन told that Pakistan, we all know ki Pakistan kaisa hai, it's not that you know they should, there is you know bad and good aspect of everything, so we need to represent the good ones. You know we have so much in, we have four seasons. Yes, it's not that America gets that wahan par do se teen, you know winters the most probably they get. और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी जो lifestyle है बहुत different होती है as we compare to Americans, you know वहाँ पे बच्चों का, आई वोंट से बच्चों का, लेकिन स्कूलिंग सिस्टम द बेस्ट, यू नो द बेस्ट हाईलाइट ऑफ माय एक्सचेंज ईयर वाज माय स्कूल, हाई स्कूल, एंड अप हियर आवर स्कूलिंग सिस्टम प्रोबेबली इट्स जस्ट बाउंडेड विद स्कूल। अच्छा एक 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 मैं यहाँ कहूँ कि आप वहाँ गई तो आपने तो उनको उनकी जबान में प्रेजेंट किया, यहाँ आप अपने पाकिस्तान को अपने पाकिस्तानियों के लिए प्रमोट करी और जो हमारी जबान है वो हमारी उर्दू है, तो इसलिए आप वो बोलोगी तो आप अच्छी और रिप्रेजेंटर अच्छी लगोगी कि आप जहाँ जाती हो वहाँ उनके अंदाज में उनको समझाते हो। ये मैं आपकी बड़ी हूँ इसलिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, इसलिए अब आप उर्दू में बोलो, हम आपकी उर्दू भी सुनना चाहते हैं। I'm trying, but you know, No, you have to try. Yeah, I'm doing it. Acha, so, okay, I'll start. Urdu, you know, Pakistan mein bahut saari aisi cheeze hain, jaise hamari Pakistani food ho gaya and all these things, jo hum, you know, hamari dressing ho gayi, wahan par dressing Pakistani, you know, I used to wear my clothes, and wahan par people, they're crazy about it. वो लोग यू नो आपको देख के अरे ये क्या पहना हुआ है, यू नो आर आस्किंग क्वेश्चंस टू यू, इट्स जस्ट व्हेन यू गो देयर इट्स नॉट, अगर आप बात नहीं भी करते हो ना, इफ यू जस्ट रिप्रेजेंट योर कंट्री लाइक यू वेयरिंग योर क्लोथिंग्स एंड इफ यू वेयरिंग अ लिटिल ज्वेलरी और व्हाटसोएवर, इफ यू डू दैट पीपल कम, लोग आपके पास खुद ही आते हैं, दे आस्क यू कि आप कहाँ से आए हो एंड ऑल दिस। अच्छा और अब आप जब जाओगी ना तो उनसे ये भी बताना, उनको ये भी कहना कि हमें पूरे साल में एक दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता कि मदर्स डे आएगा तो फिर हम जाके अपनी माँ से मिलेंगे, फादर्स डे आएगा तो हम कहना कि हमारी तहजीब और हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग इतना रिच है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो अपनी माँ का चेहरा देख कर निकलते हैं और जब घर आते हैं तो हमारी माँ हमारे लिए दुआएं कर रही होती है, कहना ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुल्क में है और मैं दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक ये चले, कहना आप कहीं भी ढूंढ ले
आपको ये तहजीब कहीं नहीं मिलेगी। तो आज ये चीज सीख के जाना और उन अंग्रेजों को गोरों को जाके बताना कि तुम लोग ये कभी भी हासिल नहीं कर सकते, इस बात पर तो एक तालियां होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क जीता रहे, ऐसे ही तरक्की करता रहे। और मेरे दिल में, मैं नदीम साहब से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ लेकिन मुझे एक ब्रेक भी लेना है। और मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, जितने सारे बच्चे मौजूद हैं, सो आज का मैं ये जो प्रोग्राम है, अपना ये प्लेटफॉर्म है, इस पर जो भी बातें होंगी, जो भी प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे, मैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो शोहदा हैं उनको डेडिकेट करती हूँ अपना आज का शो, कि उन्होंने जो कर दिखाया वो शायद करने की कोई हिम्मत भी नहीं रखता। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और मेरे मुल्क के नौनिहाल, हमारा प्योर टैलेंट आज मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, अवेकनर, एक ऐसा मैगज़ीन जो बच्चों को मौका देता है कि वो अपनी फीलिंग का इजहार कर सकें, अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकें। सेहत है, इन दोनों शोबों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो कोई भी माशरा बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद करना ही नहीं चाहते, कि करना चाहते तो चीज़ें बड़ी तब्दील हो जाती। हसनैन साहब कहाँ तक पहुँचा, आप जहाज़ बना रहे हो, गाड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो? नहीं नहीं वैसे ही बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप मुझे अभी बटरफ्लाईज बना के देंगे और मैं आपकी बटरफ्लाईज अपने सेट पर लगाऊंगी, ठीक है? राइट जनाब। और मैं यहाँ लूंगी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद और मजीद बच्चे हमारे साथ मौजूद होंगे। सो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।